फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम सिलाई के बेसिक टूल्स के बारे में जानेंगे जो हमारे कटिंग और स्टिचिंग करने के समय ज़रूरत होती है। अगर आप सिलाई करते हैं या फिर सिलाई सीख रहे हैं तो ये टूल्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स में समझाती हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये सीज़र है यानी कैंची, इससे हम कपड़े की कटिंग करते हैं। इसके बाद आप ये शेप देख सकते हो, इसको फ्रेंच कर्व बोलते हैं यानी फ्रेंच आर्महोल कर्व। इससे हम अपने आर्महोल के लिए शेप ड्रॉ करते हैं और इससे हम राउंड शेप नेक भी ड्रॉ करते हैं और साथ साथ बोर्ड शेप नेक भी ड्रॉ कर लेते हैं, और ये बहुत आसानी से इसमें शेप ड्रॉ हो जाती है। तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है बिगनर्स के लिए या फिर जो सिलाई करते हैं उनके लिए। आप ये देख सकते हो ये मेज़रिंग टेप है, इससे हम बॉडी से जब नाप लेते हैं या फिर कुर्ती या कमीज से जब हम नाप लेते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। ये सबके पास होने चाहिए, ये बहुत ही एसेंशियल टूल है। अभी हम अपनी नेक्स्ट टूल पे जाएंगे, इसको ट्रेसिंग व्हील बोलते हैं। इसका क्या यूज होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। जब हम कपड़े के ऊपर निशान लगाते हैं, ब्लाउज़ या कुर्ती कटिंग करने के समय हम कपड़े पर निशान लगाते हैं इस तरह से, तब हम कपड़े को डबल फोल्ड या फिर फोर फोल्ड में करके निशान लगाते हैं। अब हम दूसरे साइड में निशान पाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, तो हम दूसरे साइड में निशान को ट्रेस करने के लिए हम ट्रेसिंग व्हील का यूज़ करते हैं। इस तरह से हम निशान के ऊपर हम व्हील चलाते हैं तो ये निशान हमारे दूसरे साइड में ट्रेसिंग हो जाती है, तभी ये हमारी टूल काम आती है। इसके बाद आप इसको देख सकते हो, इसको स्टिच ओपनर बोला जाता है, ये हमारे स्टिचिंग के दौरान काम आता है। जब हम स्टिचिंग करते हैं हमें कोई भी स्टिचिंग को निकालनी पड़ती है, जैसे कभी भी रॉन्ग स्टिच हो जाती है, तो हम इस तरह से इसका यूज करते हैं। और ये बहुत ही एसेंशियल है और बहुत ही हेल्पफुल है, ये हमारी बहुत हेल्प करती है स्टिच खोलने के लिए। आप सभी के पास ये टूल होना चाहिए और ये बहुत सस्ते में मार्केट में मिल जाती है। इसके बाद आप देख सकते हो चौक, ये सभी को पता होता है चौक हम निशान लगाने के लिए यूज करते हैं। अब हम देखते हैं ये धागा, अब ये धागा हमारा क्या यूज होता है। अब हम इसको हम सिलाई के दौरान यूज करते हैं। इसको कैसे यूज किया जाता है, इसको हम पाइपिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमें नेक में पाइपिंग बनानी हो ब्लाउज या कुर्ती में, तो हम इस धागे का यूज करते हैं। इससे हम पाइपिंग बनाते हैं और इसको गले में लगाते हैं। ये मार्केट में बहुत तरीके के मिलते हैं, जैसे कि मोटा मिलता है और पतला मिलता है, तो आपको हमेशा ये पतले वाला की चूज करना चाहिए ताकि इसमें पाइपिंग फिनिशिंग के साथ बन जाती है। आप इसके बाद देख सकते हो स्केल्स, यहाँ पर आप तीन तरीके के स्केल देख रहे हो। सबसे पहले ये सीधी स्केल है, बिल्कुल स्ट्रेट, इसमें हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं या फिर तिरछी लाइन भी ड्रॉ करते हैं, हम पॉइंट्स को मिलाने के लिए भी यूज करते हैं। दूसरा टूल है, इसको सेफ पट्टी बोला जाता है। इसका क्या यूज है मैं बताती हूँ। जब हम कमीज की ड्राफ्टिंग करते हैं तो ये सेफ देने के लिए यूज किया जाता है, और हम पैंट और प्लाजो की कटिंग करते हैं, किसी भी तरह का पैंट की कटिंग करते हैं, तो हम इसको सेफ देने के लिए यूज करते हैं। ज़्यादातर ये स्ट्रेट पैंट में यूज होता है और कुर्ती और प्लाजो में इसका यूज होता है। अभी हम अपना नेक्स्ट टूल पे देखेंगे, इसको एल शेप स्केल बोला जाता है। इसका क्या यूज होता है हम बताते हैं। इसको हम कपड़े को सीधा करने के लिए यूज करते हैं, यानी जब हम कपड़ा कट करते हैं तो कपड़ा कभी तिरछा हो जाता है, तो हम इसको नीचे की साइड इस तरह से रखते हैं या फिर किनारी साइड रखते हैं और इस तरह से मार्किंग करते हैं तो कपड़ा बिल्कुल सीधा हो जाता है। और इसको आप सीधी लाइन खींचने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो स्केल की जैसे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टूल पर देखेंगे, ये एक्चुअली टूल नहीं है, ये हमारा पेपर कैनवास है। इसको हम किस तरह से यूज करते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। जब हम कुर्ती या ब्लाउज के लिए नेक की कटिंग करते हैं तब हम बुकरम का यूज करते हैं, नेक बनाने के लिए हम बुकरम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप पेपर कैनवास का भी यूज कर सकते हो, जैसे इसका एक साइड कपड़े के ऊपर चिपकता है और इसमें फिनिशिंग के साथ नेक बन के रेडी हो जाती है। आप बुकरम की जगह पर पेपर कैनवास का यूज कीजिए, ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मार्केट में मिलता है और इससे बिल्कुल नेक परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बन जाती है। ये थे हमारे सभी जरूरी टूल्स जो हम कटिंग और स्टिचिंग के समय काम में लाते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो इसको आप परचेज कर सकते हो
और ये बहुत ही यूजफुल होता है। इसके हेल्प से आप अच्छे से फिनिशिंग के साथ कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।